सौरभ जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि आचार्य जी द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य में क्या है, इसका स्वाध्याय युवाओं के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, दीक्षा दिवस पर ऑनलाइन मूक माटी महाकाव्य ओपन बुक प्रतियोगिता डोंगरगढ़ से हो रही है तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए ताकि सभी लोग इसका अवलोकन का मन बना सकें और स्वाध्याय कर सकें। मूक माटी में क्या है इसके अध्ययन से युवाओं को कैसे उपयोगी हो सकता है? देखिए मूक माटी में क्या है तो मैं कहूँगा आचार्य गुरुदेव के जीवन भर की साधना का निचोड़। मूक माटी में क्या है तो मैं कह सकता हूँ गागर में सागर। मूक माटी में क्या है तो मैं कहूँगा कंकर से शंकर बनने का रास्ता। मूक माटी में क्या है तो पामर से परमेश्वर बनने का मार्ग। मूक माटी में क्या है तो आत्मा से परमात्मा की दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि, उस यात्रा को जो पूर्ण कर ले तो मूक माटी। एक अकिंचन मूक माटी किस तरह महान बनती है, इसी तरह माटी की तरह साधारण पर आत्मा साधना के पथ पर चलते हुए गुरु सन्निधि को प्राप्त करके अपने जीवन का किस प्रकार क्रमिक विकास करता है, ये सब चीज़ें जानना और समझना है तो मूक माटी को पढ़ना जरूरी है। परम पूज गुरुदेव के द्वारा ये महनीय कृति हम सबको मिली जो एक अनोखा महाकाव्य है। मैं आप सबको मूक माटी के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूँ बहुत रहस्य की। डॉक्टर प्रभाकर माचवे भारतीय साहित्य के, हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, मनीषी थे, बहुभाषाविद थे। वे 1991 में हम लोगों के पास आए थे, उसके बाद हमने उन्हें प्रेरणा दी, मूक माटी दी, उसके बाद वो दोबारा एक बार सत्ता में हम लोग पास आए, उनको प्रेरणा दी, उनने मूक माटी पढ़ी और मूक माटी पढ़ने के बाद वो आचार्य महाराज के दर्शन के लिए रामटेक गए। रामटेक में उनकी 40 मिनट की बातचीत हुई और 40 मिनट की बातचीत में करीब 10 बार उन्होंने कहा ये अद्भुत है। महाकाव्य कहना भी उनको थोड़ा छोटा लग रहा था और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं एक काम करूंगा, मूक माटी पर एक समीक्षा ग्रंथ लिखूंगा, मूक माटी 100 दृष्टियां। ये प्रभाकर माचवे का पक्ष था। हमारे सामने सतना में उनने कहा था 1998 में दोबारा आए थे, मूक माटी 100 दृष्टियां और उसकी 150 पेज की प्रस्तावना मैं खुद लिखूंगा, ऐसा उनने कहा। और प्राच्य पाश्चात्य भारतीय और पश्चिमी जितने भी बड़े बड़े साहित्य के समालोचक उन तक मैं भेजूंगा। कुछ दुर्भाग्य रहा कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए और उनकी मनोभावना उन तक ही सीमित रह गई। लेकिन बाद में डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी ने मूक माटी मीमांसा के रूप में 3 खंड में उसे तैयार किया जिसमें देश विदेश के अनेक साहित्य समालोचकों की समालोचनाएं, हमारे संघ के मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की उसमें बड़ी भूमिका रही। तो ये मूक माटी एक अद्भुत चीज़ है, अद्भुत ग्रंथ है, एक बार लोग पढ़े। ये बात सही है कि वो चूँकि एक साहित्यिक काव्य कृति है तो वो बोलचाल की भाषा में नहीं है, लेकिन गुरुदेव के शब्द इतने सरल है कि गागर में सागर भरा है। आप अगर अपनी दृष्टि को जगाएंगे तो वो चीज़ें सहज अपने अंदर पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। परम पूज गुरुदेव का 23 तारीख को 56वां मुनि दीक्षा दिवस है, हम सबको पूर्ण उत्साह उमंग और उल्लास के साथ मनाना है। यहाँ पर भी हम लोग गुरुदेव के दीक्षा दिवस को खूब भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। आप सब भी करें और उस समय कम से कम एक बार मूक माटी तो पढ़े। हर घर में मूक माटी होनी चाहिए। जिस गुरु ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिस पर अनेक लोगों ने PhD की, कुछ लोगों ने डिलीट की उपाधि प्राप्त की, जिस पर अनेक शोध पत्र लिखे गए, कम से कम उस ग्रंथ को देखो तो एक निर्ग्रंथ मनीषी एक माटी जैसे अकिंचन पात्र को जो मूक है उसे मुखर बनाकर कैसे मूक माटी ग्रंथ लिखते हैं, कैसे साहित्य का सृजन करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत कृति है। उसे हम ध्यान रख करके चलेंगे तो निश्चित ये सभी के जीवन के लिए एक अपूर्व अवसर होगा।